गलत इंसान है, लेकिन आप गलत नहीं हो। आपके पूरा देखना पड़ेगा तब ना समझ में आएगा। जो वीडियो देख रहे हैं लोग, उसके पहले का 10 मिनट और बाद का 10 मिनट देखिए, पूरा हो जाएगा। इवन जो आपको अपने चैनल को बढ़ाने के लिए दिखा रहा है, वो भी आपको पहले और बाद का नहीं दिखाएगा। उसको पता है कि जस्ट यहीं से काट, यहीं तो मेन मजा है। बात समझिए, आधा जो सच होता है ना, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। एक ये लड़का मेरे यहाँ आया क्लास में, बेचारा कह रहा है कि गरीब है, यूट्यूब पे चैनल को ग्रो करना है। हमने इसको कहा क्लास के बाद में आना, इसने लिख दिया भागता है कि नहीं तुम, लिखता है देखिए खान सर कितना घमंडी है, वीडियो डिलीट करने से पहले देखिए। मिलियंस लोगों ने इसे देख लिया, हमने छोड़ दिया, इसको स्ट्राइक नहीं देते कि बेचारा गरीब है, इसका भी चैनल आगे बढ़ जाए, अच्छा ना है। लेकिन अगर कोई ये देखेगा तो क्या कहेगा कि खान सर बहुत ज्यादा घमंडी है। ऐसे यूट्यूब पर फेक न्यूज बहुत ज्यादा आते हैं सर। आप देखिए ये लिख रहा है सेक्स वीडियो का डिलीट होने से पहले देखिए, बताइए इसके पीछे उल्टा सीधा टिकटॉक का गाना बजा रहा था। हमको अब कोई देखेगा तो यही सोचेगा यहां देखिए ये किस कर रहा है किसी को। अब ये वीडियो मिलियंस तक में लोग इसको देखे हुए हैं। यहां पे देखिए ये क्या लिखता है भाई, खान सर की गर्लफ्रेंड, पुरानी वाली नई वाली, ये बताइए ये बदनामी ना कर रहा है यहां पर। ये देखिए क्या कर रहा, खान सर की शादी हो गई, रे भैया हम यहाँ कुमार बैठा है, इन्हें शादी ब्याह करा दिया, अब हम किसको क्या बोलेंगे यहाँ पर। उल्टा सीधा हद तब हो गई जब भीम यूपीआई से खान सर क्लासेज नाम से एक फर्जी ऐप बनाकर यहाँ सबसे पैसे मांगे जाने गए, खान सर को इस पे हेल्प कीजिए, ये भीम यूपीआई बनाकर यहाँ पर लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरी मम्मी एक बार डर गई, हमको वीडियो कॉल करने लगी, कहाँ हो बेटा कहाँ हो, हम क्लास में रहते हैं तो अमूमन मोबाइल ऑफ या साइलेंट रहता है, तो स्टाफ से कहीं कि जल्दी सर को वीडियो कॉल पर दिखाओ। हम देखे मम्मी से पूछे क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक वीडियो देखे थे, खान सर की मौत गाड़ी का टायर फटने से बड़ा हादसा। अरे भैया हम जिंदा हैं, उल्टा सीधा ये हम नहीं बनाते हैं, ये इस तरह से बना दिया जाता है। बताइए हम जिंदा हमको मर दे, हम किसको किसको सफाई देते फिरेंगे यहाँ पर। एक इतना बड़ा कमीना आदमी था, हम एक वीडियो में बता रहे थे कि देखिए इंसानियत रहनी चाहिए, सीता माँ जो थी वो लंका में भी सुरक्षित थी, और आज हम लोग अपने यहाँ बहन हमारी ये लोग उतनी सुरक्षित नहीं, इसका मतलब हम लोग बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं था, तो ये वो क्या लिखता है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर देवी देवताओं का क्यों हो रहा है मजाक, खान सर हम क्यों मजाक करेंगे भैया। अब कहता है कि लौ कुश राम जी का नहीं, ये बताइए बताइए, ये हमने नहीं बोला। अब इस पर कोई लोग बवाल करते तो कम से कम वो पढ़े लिखे लोग, वो समझते हैं कि एक दूसरा आदमी है कुछ कुछ कर देता है। यार हम कभी इतना वाहियात मजाक बोलेंगे, इनका एक वायरल कर दिया पीछे से आलू आगे से सोना, जबकि पूरा वीडियो देखे हैं, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो, ये हो गया आपका आधा सच। अब देखिए पूरा सच, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3,000 रुपए दो। अरे अभी हम दोनों का टाइम खराब चल रहा है, आपका तो कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है, हमारा तो नॉर्मल है। कुछ लोग हैं लोग जो बढ़ के हैं, आप तो ज्यादा लोग बढ़ के हैं। जब आप किसी को उसके जाति या नाम से सोचने लगते हैं तो उल्टा सीधा होता है। देखिए एक आदमी कर रहे हैं खान सर का जिहादी एजेंडा बेनकाब, भैया हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पे, उसको भी बोल रहा है, इसको भी, हमको लिखा नया स्ट्रेन है यहाँ पे, ये भाई साहब इसको देखो ये क्या कर रहा है। खान सर पटना वाले मेरे गांव के, अब तेरा गांव के ना है रे, मैं गाली देता हूँ खान सर को। इसने गाली नहीं दिया, लोगों ने देखा कि काहे कर जा रहा है, इसका चैनल चल गया, प्रचार आ गया, पैसे कमा लिया। लोग आज के वक्त में पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये फेक न्यूज में आप लोग भी पड़ गए, क्लिप काट काट के यहाँ पढ़िए, एंटी मोदी एंटी हिंदू रिवील खान सर एक्सपोज। बताइए हम एंटी मोदी हो गए एंटी हिंदू हो गए, हमारा काम मतलब है भैया, मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो हम अच्छा ही भी बोलते हैं, गलत करेंगे तो गलत भी बोल देंगे। यहाँ पे खान सर एक बार फिर बेनकाब हो गया, लो भैया हम भी अंसारी के साथ, मैं राष्ट्रपति के साथ, उपराष्ट्रपति के साथ मेरा फोटो लगा दी, हम क्या करेंगे। ये देखो अब कुछ कहते हैं, मदरसा छाप जाहिल खान सर, हमारा मदरसा छाप जाहिल बोलता है, खुद ही हो गया एक्सपोज, 26-27 मिनट का वीडियो। ये लोग के कमाने का रास्ता है खान सर, खान सर को गाली दो, जब बराबरी नहीं कर सकते हैं तो जमीन के नीचे गड्ढा खोद दो कि गिर जाए। ये देखिए उल्टा सीधा फोटो लगा रहा है, नाइट फॉल्ट शीघ्र पतन, यही सब हम बताएंगे या आ जाओ यहाँ पे। ये क्लासेज जब चलते हैं, बायोलॉजी का हो गया या किसी चीज का क्लासेज हो गया, उसमें हर चीजें रहती है, उसमें से आधा काट काट के दिखाइए उल्टा सीधा। कोई मदरसा छाप बोल दे हमको, कोई कुछ बोल दे, तो हम किसको सफाई देंगे। विवाद पाकिस्तान के एक वीडियो पे हुआ जो 24 अप्रैल को था, इससे आप साफ समझ सकते हैं कि जो अप्रैल का वीडियो है उसके मई के लास्ट में विवाद नहीं होना, यानी लोग कुछ और दिखा रहे हैं और मैटर कुछ और है। पाकिस्तान के तहरीके लबैक पार्टी के बारे में हमने बोला था कि ये सब पंचर छाप है सर, हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, ना ही किसी मुसलमान का नाम लिया। बस आप उन वीडियो वालों को कहिए कि उसने बोला ना कि मुसलमान नाम लिया, हमने तहरीके लबैक पार्टी को बोला, क्योंकि ये लोग फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहे थे। खुद पाकिस्तान की पुलिस ने इन्हें जेल कर दिया, खुद पाकिस्तान ने जेल किया, उनके समर्थन में लोग हमको कह रहे हैं यहां पर। हम इस बचवा को बोले
है कि तोरा तारीखे लबैक पार्टी वाला यहाँ पर पंचर साटेगा, ना कि हमने किसी मुसलमान को बोला था। बचपन में हम लोग के भी टीचर कहते थे, अरे पढ़ लिख ले रहे ना तो गोबर उठाएगा, घास काटेगा। उस समय हम वीडियो बनाए हुए थे। उस समय इतना भयानक ही लोगों ने बहिष्कार कर दिया था फ्रांस का, कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर जूता का ई करके पोस्टर निकाला था। और हद बेशर्मी इन लोग की देखिए, कि इन्होंने अपनी संसद भवन में एक प्रस्ताव पारित हो गया कि पाकिस्तान का वह राजदूत जो फ्रांस में बैठा है उसे